हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 15 मिनट का वोकैब सेशन। तो चलो भाई, इस बार के हमारे सेशन के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है 2023 के एंटोनिम्स को लेकर के। वर्ड दिया जा रहा है डाइवर्जेंस, थोड़ा सा एक लेवल से उठा करके सवाल पूछा गया है। बाकी अब तक आप जो है वो इस 15 मिनट के वोकैब सेशन के अंदर 15 पार्ट्स अब तक आप कवर कर चुके हो। मोस्टली जितने भी वर्ड्स पूछे गए हैं 2023 वाले आई एम एग्जाम्स के अंदर, सब में आपने गौर किया होगा ज़्यादातर हल्के वर्ड्स ही पूछे गए थे। थोड़ा सा एवरेज से ऊपर का उठा हुआ वर्ड दिया गया है। ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कन्वर्जेंस, एग्जिस्टेंस, रेजिलियंस और ट्रांजियंस। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं और जो मेन वर्ड हमारा दिया जा रहा है उसको जानते हुए चलते हैं। तो डाइवर्जेंस, हमारा वर्ड डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, ऑफ मूविंग, मूविंग मतलब मूव होने की प्रक्रिया है ना, कहां मूव होने की प्रक्रिया, इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब क्या निकला भाई, अलग दिशा में जाने की प्रक्रिया। डिफरेंट डायरेक्शन से मतलब क्या है कहने का, अलग दिशा में जाने की प्रक्रिया। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो विचलन है ना, इसका एक मीनिंग निकलता है। दूसरा मीनिंग निकल देता है डिक्शनरी में अलग होना, क्या होना, अलग होना, और डिफरेंट है तो अंतर करके भी इसका एक मीनिंग डिक्शनरी में अपने को पढ़ने को मिलता है। दोस्तों आते हैं इस वर्ड के सिनोनिम्स के ऊपर। तो डाइवर्जेंस, विचलन, भटकाव, अलग होना का सबसे कॉमन बनता है, अगर अलग हो रहा है तो सेपरेशन का भाव देगा, अलग हो रहा है तो वेरिएशन का भाव देगा, अलग हो रहा है तो डेविएट हो रहा है, अलग राह में जा रहा है, डेविएशन का भाव देगा, अलग हो रहा है तो दो हिस्सों में बटेगा तो स्प्लिट का भाव भी देगा, अलग है तो डिफरेंस भी इसका आएगा मीनिंग है ना, और अलग है तो सेग्रीगेशन भी इसका, SEGREGATION भी इसका सिनोनिम मिलेगा क्योंकि अलग होने का सेंस दे रहा है ये। आ जाओ भाई एंटोनिम यानी विलोम के बारे में अगर मैं बात करूं तो कन्वर्जेंस, जो अपने को फर्स्ट ऑप्शन में इसका वर्ड मिला था, मिलेगा इसका एंटोनिम। अलग नहीं है, अलग नहीं है तो क्या है, समानता है, समानता के लिए इंग्लिश में वर्ड कौन सा, सिमिलैरिटी, कौन सा, सिमिलैरिटी है ना, समानता, समानता है तो फिर यूनिफॉर्मिटी भी इसका हमको एंटोनिम बनता है भाई, ठीक है। इसके अलावा समानता है तो फिर यूनियन भी बनेगा, एकजुट है, समानता होगी तो सामंजस्य भी होगा, सामंजस्य होगा तो हार्मनी भी इसका बनेगा, समानता है तो अलाइनमेंट भी इसका एंटोनिम दोस्तों बनता है। तो अगर हम इसके भाई एंटोनिम के बारे में बात करें तो क्वेश्चन अपना पूछ रहा है किसको लेकर के, विलोम को लेकर के। अगर मैं बात करूं विलोम को लेकर के तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर अपने को मिल चुका है। तो जैसा हम जानते हैं कि भैया एक क्वेश्चन से अपने तीन क्वेश्चन और तैयार होते हैं, एक ऑप्शन जो है वो या तो सिनोनिम होगा या एंटोनिम होगा। तो जो सिनोनिम एंटोनिम डाइवर्जेंस के होंगे, अगर ये इसका विलोम है तो इसके सिनोनिम इसके एंटोनिम होंगे और इसके एंटोनिम इसके सिनोनिम होंगे। कुल मिला करके एक ऑप्शन तो हमारा लाइन से हट चुका होता है क्योंकि उसी का या तो सिनोनिम या एंटोनिम सारे के सारे उसके काम के अपने आ जाते हैं। भाई डाइवर्जेंस का जो सिनोनिम होगा वो इसका एंटोनिम होगा, इसका ये इसका एंटोनिम है तो इसके सारे सिनोनिम इसके सारे एंटोनिम,
इसका एंटोनिम ये है, तो इसके जो एंटोनिम होंगे वो इसके सिनोनिम होंगे। बात समझना, शब्दों में फंसना मत, ठीक है। आता हूं सेकेंड ऑप्शन पर। सेकेंड ऑप्शन अपने को कौन सा मिल रहा है भाई? सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रहा है एग्जिस्टेंस। तो चलो इसी को जानते हैं। कौन सा वर्ड? एग्जिस्टेंस, ठीक है, चलते हैं। तो अगर मैं एग्जिस्टेंस शब्द के बारे में बात करूं, तो एग्जिस्टेंस वर्ड बना है अस्तित्व से, अस्तित्व से बना है। तो अवस्था, द स्टेट, और तथ्य, फैक्ट ऑफ बीइंग, होना, होना है ना, या फिर क्या होना, हैविंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अस्तित्व में होना मतलब क्या होना? असली में होना। असली में होना मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट करना। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में तो ये तो हम अभी जान ही चुके हैं पहले ही। अस्तित्व, एग्जिस्ट करने का नाउन फॉर्म एग्जिस्टेंस। फिर आते हैं सिनोनिम्स पर। पर्यायवाची अगर बारे में बात करें दोस्तों, तो किसी भी चीज का होना, होने के सेंस में बीइंग है ना, वास्तविकता में होना, तो एक्चुअलिटी, वास्तविकता में होना तो रियलिटी, अस्तित्व होना, अस्तित्व होना तो एंटिटी है ना, वर्चस्व होना सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस सॉरी, इसका सिनोनिम बनता है। फिर आता हूं इस शब्द के दोस्तों विलोम पर, एंटोनिम्स पर। अस्तित्व नहीं होना तो नॉन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नहीं होना, उपस्थित ही नहीं होना तो एब्सेंस, वॉइड, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं होना तो नलिटी, इसके बनते हैं, ठीक है। तो हमारा ये भी पूरा हुआ। फिर आते हैं रेजिलियंस वर्ड पर, इसके मीनिंग को लेकर, लचीला है ना। तो कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारा कौन सा? रेजिलियंस। रेजिलियंस वर्ड बना है रेजिलियंट से। रेजिलियंट तो हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया हमारा नाउन, ठीक है। चलो चलो डिक्शनरी मीनिंग पे आता हूं फटाफट से। द एबिलिटी टू रिकवर, रिकवर होने की एबिलिटी, कैसे? क्विकली, कहां से? फ्रॉम डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज से रिकवर होने की, टफनेस से रिकवर होने की है ना, और फ्लेक्सिबिलिटी होने की। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं
तो डिक्शनरी मीनिंग है लचीलापन, रिकवर होना मतलब लौटाव, और एक वर्ड मिलता है डिक्शनरी में तन्यकता। चलो भाई, और फिर आता हूँ रेजिलियंस के सिनोनिम्स पर। तो टफनेस ना, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला है तो भाई फ्लेक्सिबल भी तो होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग इतना है तो ड्यूरेबिलिटी, है ना। वापस रिकवर होने की तो रिकवरी, राइट। इलास्टिसिटी। फिर आते हैं एंटोनिम्स के अंदर, तो कमजोर है एकदम, स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फ्रेजाइल से बना फ्रेजिलिटी, स्ट्रॉन्ग नहीं है एकदम तो बना वीकनेस, है ना। फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है तो बना रिजिडिटी, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बना इनफ्लेक्सिबिलिटी, इसके एंटोनिम्स के अंदर, ठीक है। चलो, तो लास्ट वर्ड हमारा बचता है इसके अंदर ट्रांजियंस, चौथा ऑप्शन। ट्रांजियंस वर्ड बना है दोस्तों किससे? ट्रांजियंट से। ट्रांजियंट का मतलब क्या होता है? क्षणिक। तो क्षणिक से बना कौन सा? ट्रांजियंस। तो डिक्शनरी मीनिंग को लेकर अगर मैं बात करूं इसके, तो फिर ट्रांजियंस के अवस्था, द स्टेट ऑफ लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, कम समय तक ही चल पाने की अवस्था, कम समय तक ही टिक पाने की अवस्था, क्षण भर का। तो फिर इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो कम भर का, कम समय का, तो टेम्पररीनेस, टेम्पररी से बना वर्ड, कम समय का होगा तो ब्रेविटी, कम समय का, कम समय से संबंधित तो फ्लीटिंग, नेस, ट्रांजिटरी, है ना, मोमेंटरीनेस, मोमेंट्री से बना मोमेंटरीनेस, इवानिसेंट से बना इवानिसेंस, क्या बना? इवानिसेंस। एंटोनिम के बारे में बात करें तो परमानेंस इसका एक एंटोनिम बन सकता है, लंबे समय तक टिकाऊ, टिकाऊ के लिए ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी, लंबे समय तक चलने वाली चीज, स्टेबिलिटी, है ना। फिर लंबे समय तक चलने वाली तो लॉन्जिविटी भी बनता है,
एटर्निटी भी इसका, अनंत काल तक भी इसका एक अच्छा बन सकता है, और लंबे समय तक तो लास्टिंगनेस इसका एक नियर एंटोनियम के अंदर मीनिंग पॉसिबल है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे फोर्थ ऑप्शन में दिए गए शब्द, ट्रांजिएंस से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अपने रिव्यूज़, अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट में देना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन थैंक यू सो मच।